1818 को भीमा कोरेगांव में मराठों और दलित महासैनिकों के बीच भयानक युद्ध हुआ था। एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर दलित जवान सैनिक थे। पेशवा की सेना में 28,000 से ज्यादा सैनिक थे। पैदल घुड़सवार और तीरंदाज सैनिकों की टुकड़ियां थी। युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार पेशवा की सेना को देखकर अंग्रेज सेना के अफसर भी घबरा गए थे। 800 सैनिकों के सामने 28,000 की फौज देखकर उन्हें यकीन हो चला था कि उनकी हार निश्चित है। अंग्रेज सेना में कुल 834 सैनिक थे, इनमें से 500 सैनिक महार जाट के थे। इस महार के वीरों ने पेशवा की सेना से टक्कर का ऐलान कर दिया। भीमा कोरेगांव में जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन महार सैनिकों के सामने पेशवा की सेना ज्यादा देर तक टिक न सकी। महार किसी भूखे शेर की तरह पेशवा की सेना पर टूट पड़े। एक एक महार सैनिक 100-100 पेशवा सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। महार सैनिकों ने पेशवा की सेना के छक्के छुड़ा दिए। दिन भर लड़ाई चली और पेशवा की सेना का मनोबल टूट गया। रात होते होते पेशवा ने घुटने टेक दिए।